नमस्कार, वेद दुनिया के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्म पोनियिन सेल्वन पार्ट टू की। पोनियिन सेल्वन भाग एक या PS पार्ट वन आपने देखा है और PS टू देखने का प्लान बना रहे हैं तो PS वन को एक बार फिर देख लेना चाहिए ताकि कहानी दिमाग में फिर से ताजी हो जाए, क्योंकि PS टू में डिटेल्ड रिकेप नहीं है। PS वन में रोमांचकारी ड्रामा था और फिल्म को खास मोड़ पर लाकर खत्म किया गया था ताकि दूसरे भाग के प्रति दर्शकों में उत्सुकता जागे। PS2 में कहानी को समेटा गया है और यह भाग भले ही पहले पार्ट जितना रोमांचकारी नहीं है, लेकिन निर्देशक मणिरत्नम के कहानी को कहने के तरीके के कारण यह मूवी पसंद आती है। पोनियिन सेल्वन नामक उपन्यास पर आधारित चोल साम्राज्य के दौर की कहानी है, जब सिंहासन हड़पने के लिए षड्यंत्रकारी खेल चलते थे। राज परिवार में विश्वास अविश्वास को लेकर भ्रम और संदेह उत्पन्न किए जाते थे, जिससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती थी। पहला भाग घटना प्रधान था, ढेर सारे कैरेक्टर्स, कई स्थान और कई घटनाएं फिल्म को तेज गति से दौड़ाते हैं। दर्शकों को पहले भाग में ड्रामा समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन दूसरे भाग में चूंकि हम किरदारों से परिचित रहते हैं इसलिए फोकस पूरी तरह से ड्रामे पर रहता है। यह उपन्यास बहुत लंबा है और इसे दो फिल्मों में समेटना आसान बात नहीं है, इसलिए लिबर्टी भी ली गई है। कहानी की बात की जाए तो सेनापति पर्वतेश्वर का राजा सुंदर चोला और उसके दो बेटे आदित्य और अरुण मोजी के खिलाफ किया गया षड्यंत्र कामयाब होता है या नहीं, यह PS2 में दिखाया गया है। PS2 आदित्य और नंदिनी की टीन एज लव स्टोरी से शुरू होती है और गीत के माध्यम से इसे शानदार तरीके से पेश किया गया है। नंदिनी को चोला साम्राज्य से क्यों दूर किया गया और उसका बदला लेने की वजह का आधार इस टीन एज स्टोरी में नजर आता है। पहले हाफ में कई उम्दा सीन देखने को मिलते हैं। दूसरा हाफ रिवेंज ड्रामा है और यहाँ पर ऐश्वर्या राय को शानदार दृश्य मिले हैं। वैसे भी मणिरत्नम फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत सशक्त तरीके से पेश करने के लिए जाने जाते हैं और इस फिल्म से भी यह बात साबित होती है। ऐश्वर्या के विक्रम और कार्ती के साथ बढ़िया दृश्य देखने को मिलते हैं, जिनका फिल्मांकन शानदार है। नंदिनी और उसकी माँ मंदाकिनी के राज भी खोले गए हैं। मणिरत्नम अपने निर्देशन से चमत्कृत करते हैं, गानों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया। जिस तरह से उन्होंने दृश्यों को फिल्माया और कहानी को पेश किया वो तारीफ के काबिल है। मणिरत्नम टेक्निकली बेहद मजबूत है और यह बात फिल्म की सिनेमाटोग्राफी, लाइटिंग और एडिटिंग में नजर आती है। कार्ती और त्रिशा के बीच एक दृश्य को उन्होंने खूबसूरती के साथ दर्शाया है, जिसमें कार्ती से त्रिशा मिलने जाती है और कार्ती के आंखों पर पट्टी बंधी है। इसी तरह ऐश्वर्या और विक्रम के बीच फेस ऑफ वाला सीन भी लाजवाब है। सिनेमाटोग्राफर रवि वर्मन फिल्म को अलग ही स्तर पर ले गए हैं। लॉन्ग शॉट, फुल शॉट और क्लोजअप को स्क्रिप्ट की मांग के अनुसार उन्होंने रखा है। लाइटिंग का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। मंदाकिनी की मौत वाला सीन लाइटिंग के कारण ही अच्छा बन पड़ा है। एडिटर श्रीकर प्रसाद का काम बहुत कठिन था। इतने सारे किरदार और घटनाओं को समेटना आसान बात नहीं थी। उन्होंने इस बात को पूरा ध्यान में रखा कि दर्शक कन्फ्यूज न हो। AR रहमान का संगीत और गुलजार के बोल कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन को PS2 में उभरने का मौका मिला। खासतौर पर फिल्म के दूसरे हिस्से में उन्हें ज्यादा दृश्य मिले हैं। बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस तो उन्होंने नहीं दिखाए, लेकिन रोल को गरिमा के साथ निभाया। चियान विक्रम अपने कैरेक्टर को मजबूती देते हैं। कार्ती मनोरंजन करते हैं, हालांकि पहले पार्ट जितना फुटेज उन्हें नहीं मिला। जयम रवि, त्रिशा सहित सारे कलाकारों की एक्टिंग सराहनीय है। PS2 अपने ड्रामे, विजुअल्स और क्राफ्ट के कारण बड़े पर्दे पर देखने लायक फिल्म है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ।